भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं राजन, पूरे गांव की आंखें खुली की खुली रह गई जब भगवान का दर्शन किया गोकर्ण को लेने आए। अच्छा एक बात और है रे भैया, गैया के जब बच्चा होते तो तुरंत आंखें खुल जाते। गैया में जब बच्चा होते बचिया तो तुरंत आंखें खुल जाते, और बकरिया के जब बाल बच्चे हो तो 2-3 घंटा में आंखें खुलता, तुरंत नहीं खुले। गैया के बच्चा हुई है तुरंत आंखें खुल जाए, बकरिया के बाल बच्चों हुई है 2-3 घंटा में आंखें खुल है, बिलज्जा के जब बाल बच्चे होंगे 6-8 दिनों में आंखें खुल। हाँ 8 दिन में आंखें खुल बिलज्जा के चिन्ह मुख की। वो कुत्ता की 10-12 दिनों में आंखें खुलत, खुलत के नहीं खुलत। गैया की तुरंत, बकरिया की 2-3 घंटा में, बिलज्जा की 6-8 दिन में, कुत्ता की 10-12 दिन में, और आदमी की। आदमी की आंखें कब खुलत? ब्याह के बाद। आदमी की आंखें कब खुलत? ब्याह के बाद। और हिंदू की आंख कब खुलती है? बोले धोखा खाने के बाद। जब ये धोखा खा लेता है तब उसके बाद इसकी आंख खुलती है। इस इंसान की आंख कब खुलेगी? जब आंख बंद हो जाएगी। जब आंख बंद होने लगेगी तब हमारी आंख खुलेगी। कैसी? बोले मैंने मानव जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, इतना कीमती जीवन मैंने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया है। जागा इंसान माने जन्म लिया, जागा खाया सोया उठा रोया और आखिरी में सब कुछ खोया, और सब कुछ खोने के बाद फिर आंखें खुलती हैं, तब तक आंखें बंद करने का टाइम आ जाता है। अगर आंख खुल जाए तो ऐसी खुल जाए जी आया खुल गई आंखें इनकी जल्दी महाराज जी की, अपनी नहीं खुली, अपनी तो अब सबसे बंद है। अपन हो तो अब मोह निशा जग सोवन हारा, सारा संसार ही मोह की निद्रा में सो रहा है। आंखें खोलो भैया, सोते मत रहो। बहुत कीमती चोला है रे भैया, बहुत कीमती चोला ठाकुर जी ने पहराव है। आंख बंद होने के पहले आंख खुल जानी चाहिए, कम से कम बिलज्जा की खुल गई, कुत्ता की खुल गई, बच्चा बचेरू की खुल गई, पर आदमी की आंखें नहीं खुल रही है। अबे हमारी आंख कब खुलेगी? सूत जी महाराज कहते हैं कि महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था, अब कलयुग का प्रवेश होना है, पर कलयुग में कुछ सुधार हो गया। कलयुग में सुधार हुआ क्या? बहुत गहराई से बात को समझना। सतयुग में जो व्यवस्था थी, सतयुग की जो व्यवस्था थी वह ऐसी हती कि राक्षसों को लोग अलग हटो और देवताओं को लोग अलग हटो, अलग अलग लोगों में रहते, ज्यादा विवाद नहीं होते, और होते तो फिर आमने सामने के होते, लोग कई अलग हटे, राक्षस अलग और देवता अलग। फिर उत्तरेता सुख कानून में तरह ढील मिली, सतयुग में अलग अलग लोग, त्रेता में ये कई लोक में देवता भी रहने लगे और राक्षस भी रहने लगे। वही मृत्यु लोक में राम जी रहे और वही में रावण रहे, ये कई लोक में आ गए कि नहीं आ गए। फिर लगो द्वापर सुख कानून में तरह और ढील मिली, सो ये कई घर में रहने लगे देवता और राक्षस।
कोई घर में दुष्टर को जन्म और वही घर में दुर्योधन को जन्म, ये कई घर में रहने लगे कि नहीं रहने लगे। सतयुग में अलग अलग, द्वापर में त्रेता में एक लोक में, द्वापर में एक घर में और कलयुग में एक शरीर में, यही में देवता बैठे हैं अब और यही में राक्षस बैठे हैं, एक ही शरीर में सब हैं, क्योंकि कानून में ढील मिलत गई। अब हमें बाहर नहीं लड़ना है, न बाहर से अपनी लड़ाई आए कौ से, अब तुम्हें अपने आप से लड़ना है। बाहर की लड़ाई है ही नहीं है कलयुग में, बाहर शत्रु है ही नहीं है कलयुग में, तो ये कई घर में नहीं आओ बची मान एक शरीर में, कहो राक्षस प्रबल हो जाए स्वपन दुष्ट कर्म की तरफ चले जाते हैं, और कभी देवताओं का देवत्व बढ़ जाता है तो हम सत्संग में आके बैठ जाते हैं। अब हमें शरीर से लड़ना है, भीतर के शत्रु से हमारा युद्ध है, कोशिश करो कि हमारे भीतर सदगुणों की प्रधानता रहे, दुर्गुण हमारे भीतर ज्यादा ना है, क्योंकि जितने ज्यादा दुर्गुण होंगे तो उतना उनकी चल है, पर अगर सदगुण होंगे तो सदगुणों की चलेगी। महाभारत का युद्ध हो चुका,